कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स की नेमिंग होगी ओके सो इन दिस केस रूल्स कहते थे दैट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट्स तो अगर हम जाए इधर से तो देखने को मिलता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते तो फाइव सिक्स सेवन एट ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे अब ये जो रेडिकल है इसमें किस तरीके से नंबरिंग की जाए मैंने पहले ही बताया जहां से ये पेरेंट चेन से जुड़ा होगा वहां से आपको करना है काउंटिंग शुरू तो क्योंकि वन टू थ्री फोर क्यूज कर लिया था मैं तो एक नया नाम डैश जरूरी नहीं है आप डैश बोलो आप वन बोल चाहो तो बोल सकते हो देन वन डैश टू डैश एंड थ्री डैश इधर ही क्यों आए इधर क्यों नहीं आए कहीं भी आप जा सकते हो लॉन्गेस्ट चेन हाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना था अब इसका नेमिंग करेंगे तो देखो रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्सटिट्यूएंट सब्सटीटेंट के अगर अंदर सब्सटीटेंट आ जाए तो उस केस में आप इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटिट या कॉम्प्लेक्स रेडिकल कहते हैं नेमिंग देखो तो फिफ्थ पोजीशन पे लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स है इसलिए ब्रैकेट लगाया मैंने वन पे एक मिथाइल है टू पे एक मिथाइल है तो ये हो जाएगा वन कॉमा टू डाय मिथाइल और तीन कार्बन है तो प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज और आपका पेरेंट चेन था नाइन कार्बन का तो ये हो जाएगा नो नेम नेक्स्ट वन सीखा हमने चलो नेक्स्ट वन का नेमिंग करो कैसे होगा इसका नेम सो अगेन पेरेंट एन सेलेक्ट किया हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया सब्सिटूंट में वन डैश टू डैश एंड थ्री डैश वन पे ही दो सब्सिटूंट लगे हुए तो हम इसको नाम देंगे फिफ्थ पे लगा हुआ है सब्सिटूंट वन कॉमा वन डायमिथाइल प्रोपाइल नोनेन वन कॉम वन डायमिथाइल प्रोपाइल नोने सिंपल तो ये नेमिंग हो गया नोट कर लिया हमने नोट कर लिया ओके okay. तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका नेमिंग करो किया हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नीचे आते तो फाइव सिक्स सेवन एट अब इस सब्सिकट में देखो वन डैश टू डैश एंड थ्री डैश वन डैश पे क्या लगा है ये पूरा का पूरा दो कार्बन का तो ये हो जाएगा इथाइल वाला तो फाइव पे लगा हुआ है वन इथाइल वन पे इथाइल और पूरा है प्रोपाइल वन इथाइल प्रोपाइल नोने चलो तो नेक्स्ट वन का नेमिंग करो नेक्स्ट वन नेक्स्ट एग्जाम्पल का नेमिंग करें तो क्या नाम है इसका वन डैश सो दिस इज फाइव पे लगा हुआ वन कॉम वन डाई मिथाइल इथाइल नोने no ये हो जाएगा इसका नाम तो यह हुआ कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स को किस तरीके से नेम करना है अब एक पॉइंट नोट कर लो न्यूमरल प्रिफिक्स सो फॉलोइंग प्रिफिक्स आर कंसिडर्ड फॉर एल्फाबेटाइजेशन तो आपने ये देख रखा था कि प्रिफिक्स जब आप लिखते हो सेकेंडरी प्रिफिक्स तो एल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो तो किस किस को एल्फाबेटिकल के लिए कंसिडर करना है सो आइसो दैट इज इसको कंसिडर करेंगे दूसरा नियो से भी कंसिडर किया जाएगा देन तीसरा डाई ट्राई टेट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स रेडिकल आर कंसिडर्ड फॉर एल्फाबेटाइजेशन अगर कॉम्प्लेक्स रेडिकल में डाइट राइट एक्ट्रा आ रहा है तो उसको कंसिडर किया जाएगा एल्फाबेटिकल नापने के अल्फाबेटिकल देखने के लिए Then second point following are not considered for alphabetization One second, second following are not considered for alphabetization that is that is di tri tetra for simple radicals ध्यान दो यहां पे तो आप देखो सिंपल रेडिकल के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं कर रहे यानी डाई ट्राई टेट्रा को आप एल्फाबेटाइजेशन में नहीं कंसिडर कर रहे लेकिन अगर डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स रेडिकल का हो तो उसको अल्फाबेटाइजेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा कॉम्प्लेक्स रेडिकल कौन सा होगा जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा तो इसमें ये जो लेकिन अगर इसी की जगह एक सिंपल सब्सिटेंट होता मिथाइल प्रोपाइल टाइप का तो उसको अल्फाबेटिकली कंसिडर नहीं किया जाता तो ध्यान रखना है डाई, are considered for alphabetization whereas di tri tetra of simple radical are not considered for alphabetization second point सेकेंडरी या टर्शरी आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एल्फाबेटाइजेशन सेकेंडरी टर्शरी तो शॉर्ट फॉर्म में सेक टर्ट लिखते हैं इसको आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एल्फाबेटाइजेशन सिमिलरली थर्ड वन बेस ट्रेस टेट्राकेस आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एल्फाबेटाइजेशन अब बिस् ट्रेस वगैरह यूज कहां करते हैं इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम तो ये हो गया नोट कर लिया हमने तो एक नोट बता देता हूं अलग से बता देता हूं डन So let's take a note here, then we will take some examples. So for example, uh, bis trace are used in case of complex substituent or radical.

और एक जगह कॉम्प्लेक्स है और इधर हम नंबर बता रहे हैं तो अगर एक कोई सब्सटीट्यूएंट है जैसे कि इथाइल जैसा या मिथाइल जैसा दो बार आ रहा है तो आप सिंपल के लिए यूज करोगे डाई लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट अगर है जैसे कि हमने देखा था जिसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा था वन मिथाइल इथाइल टाइप का जहां पे रेडिकल के अंदर फर्दर ब्रांचिंग हो जाए यानी सब्सिट्यूएंट के अंदर सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हो का फर्दर ब्रांचिंग हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स कहेंगे तो उसके लिए टू के लिए यूज करना है आपको बिस अगर तीन आ रहा है तो आप यूज करते हैं ट्राई और कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करोगे ट्रिस फोर आ रहा होगा तो आप यूज करोगे टेट्रा और इधर यूज करेंगे हम टेट्राकिस पांच आ रहा होगा तो आप यूज करेंगे पेंटा और इधर लिखते हैं हम पेंटा किस एंड सो ऑन हेक्स आएगा तो हेक्सा किस एंड सो ऑन सो ताकि कंफ्यूजन ना हो सिंपल सब्सटीटेंट और कॉम्प्लेक्स सब्सटीटेंट में इस वजह से डाई और बेस ट्राइट्रेस टेट्रा टेट्रा टेट्राकिस पेंटा पेंटा किस हेक्सा हेक्सा किस इस तरीके से यूज किया जाता है सो so, अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझें नोट कर लिया हमने अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें इसको नोट कर लिया तो मैं एग्जाम्पल बताऊं तो समझे जरा रेडिकल्स कब कॉम्प्लेक्स है और कब सिंपल है मान लो एक एग्जाम्पल देखो और इसका आपको नेमिंग करना है क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन और दूसरी तरफ मैं यूज कर रहा हूं अगेन क्लोरीन एंड क्लोरीन और इसका अगर हम नेमिंग करना चाहते हैं वट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड आप इसका नेमिंग करो मैं दूसरा एग्जाम्पल तब तक लिख लेता हूँ इनका हमें नेमिंग करना है फर्स्ट वन पहले तो आप इस रेडिकल को पहचानो ये सिंपल रेडिकल है या कॉम्प्लेक्स रेडिकल है तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें दो क्लोरीन लगे हैं एक कार्बन से और पेरेंट चेन तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएंगे यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये होगा पेरेंट चेन यानी कि ये दो जो हैं अगर आप देखोगे तो एक कार्बन तो वन डैश और उससे दो क्लोरिन है तो इसका नाम क्या होगा इस रेडिकल का नाम क्या होगा तो यह हो जाएगा डाय क्लोरो मिथाइल सिमिलरली ऊपर वाले का भी यही नाम है अब एक जैसे रेडिकल जो कि कॉम्प्लेक्स थे ब्रांचिंग हो गई देखिए सब्सिट का सब्सटीटेंट मिथाइल के अंदर में क्लोरो सब्सिट्यूंट लग गया सब्सटीटेंट के अंदर सब्सिट्युएंट हो गया तो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाएगा दोनों एक जैसे हैं तो इसका नाम हो जाएगा इधर लिख देता हूं दो बार आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्सिट्युएंट तो आप लिखेंगे बिस ओके। और आप इसका नंबर भी बता दो तो ये था थ्री पे कॉमा फोर पे थ्री कॉमा फोर बिस् कॉम्प्लेक्स सब्सिट्युएंट को ब्रैकेट में लिखते हैं आप डाई क्लोरो मिथाइल कॉम्प्लेक्स हो गया कॉम्प्लेक्स सब्सिट्युएंट हो गया तो ब्रैकेट क्लोज कर दो फिर पेरेंट चेन देखो छह कार्बन का है तो हेक्सेन। अगर ये दोनों सब्सिट्यूएंट अलग अलग होते तब तब फिर आप अलग अलग नेमिंग करते अब देखो ये बिस का जो बी है इसको काउंट नहीं करेंगे अल्फाबेटाइजेशन के लिए वैसे जरूरत भी नहीं था एक ही तो केस आ रहा था अगले एग्जाम्पल को करो ओके सो इसका नेमिंग करना है तो पहले इसको छोटे छोटे हिस्सों में हमको समझना होगा कि पेरेंट चेन कौन सा होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इधर से जाओगे तब भी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो तो इधर ही आ रहा है तो इसका मतलब हुआ ये एक सब्सिट्यूंट होने वाला है और ये पूरा का पूरा एक सब्सिट्यूंट होगा अब सब्सटी की नेमिंग कर दी जाए तो इसके अंदर में सब्सिट्यूंट में काउंटिंग होगी शुरू वन से और टू से तो वन डैश टू डैश और वन पे लगा हुआ है दो मिथाइल तो इसका नाम होगा वन कॉमो वन डाय इथाइल और इसका नाम देखो वन डैश टू डैश एंड थ्री डैश तो वन कॉमर टू डायमिथाइल प्रोफाइल वन कॉमर टू डायमिथाइल प्रोफाइल अब जरा काउंटिंग किधर से शुरू किया जाए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दोनों तरफ से फाइव सिक्स आ रहा है तो आप लोएस्ट नंबर लोएस्ट नंबर उसको देंगे जहां पे अल्फाबेटिकली पहले आ रहे हैं तो देखो जरा डाई मिथाइल तक तो सेम है फिर क्या है ई e, और यहां पे है डाई मिथाइल के बाद पी ई e पहले आएगा पी से दैट मींस काउंटिंग शुरू होगी अब फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन अब जरा नेमिंग कर देते हैं असेंबल तो अल्फाबेटिकली ई वाला पहले आने वाला है तो ये हो जाएगा फाइव वन कॉमा वन डाय मिथाइल इथाइल इधर जगह नहीं इसे नीचे लिख रहा हूं सिक्स वन कॉमा टू डाय मिथाइल ये भी हो गया फिर टेन है तो डेकेन वन कॉमन टू डाइमिथाइल प्रोफाइल तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट का एक पूरा नाम बताना है कॉम्प्लेक्स का एक पूरा नाम बनाओ और फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली देख के अरेंज करना होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेमिंग करना इसका चलो ट्राई करो आप फिर मैं बताता हूं तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसको पहले आपको पेरेंट चेंज चुनना होगा रेडिकल्स डिसाइड करो फिर रेडिकल्स का आप अलग से नेम करके फिर सबको जोड़ो सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करने से अच्छा अलग अलग करके किया जा सकता है या आप एक साथ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है वो भी तरीके में कोई दिक्कत नहीं स्टार्टिंग में थोड़ा अलग अलग करके करते हैं फिर बाद में आप जब सीख जाओगे तो खुद से करने लगोगे तो वन टू थ्री फोर इधर से गए तो वन टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये तो कर लिया हमने <coughs> फिर रेडिकल्स देखो एक दो अब इसके अंदर काउंटिंग कर लो वन डैश टू डैश इसका नाम क्या होगा वन पे लगा है मिथाइल और ये पूरा है इथाइल पहुंच गए थे यहां तक सिमिलरली इसका भी यही नाम होगा अब ये दो बार आ रहा है तो इसको आप कहेंगे दिस ब्रैकेट लगाओ कॉम्प्लेक्स ट्वेंट है बताने के लिए वन पे लगा है मिथाइल इथाइल हो गया कॉम्प्लेक्स क्लोज कर दो ब्रैकेट और फिर आप पेरेंट चेन पे आ जाओ तो ये था आठ का तो ऑक ten that will be the name of this compound आ रहा है समझ में हुआ नोट कर लिया हमने ओके okay. सो so, कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले से चले आ रहे हैं और जिनको आई ने रिटेन कर लिया है रिटेन कर लिया है मतलब पहले से नाम चले आ रहे थे तो उनको मान लिया कि ये नाम भी अगर आप लिख देंगे तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इन नाम को भी तो ऐसे कुछ नाम होते हैं जिनको रिटेन किया गया है जैसे कि पहला लिखें अगर हम फर्स्ट वन है नॉर्मल नॉर्मल हम देख चुके थे देखिए इसको एन से दिखाते थे आप लिख लो यहां पे radical or hydrocarbon which has straight chain and its free valency मस्ट बी प्रेजेंट एट द एंड एट द आईदर एंडस दैट मीन्स अगर वेलेंसी है प्रेजेंट तो वो एंड पे होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट so, चेन CH2, CH2 इसको आप बोलोगे एन ब्यूटेन अगर मैं एक वेलेंसी क्रिएट करता हूं वेलेंसी क्रिएट करने का मतलब एक रेडिकल क्रिएट करता हूं तो इस रेडिकल का नाम क्या होगा अब तो एंड पे अगर है वेलियसी और स्ट्रेट चेन है तो इसको आप कहोगे एन अब ये रेडिकल बन चुका है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल तो ये हुआ नॉर्मल एन लिखा है तो नॉर्मल है नॉर्मल रिटेन नेम है का नोट करो इसी तरीके से हमने देख रखा था सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू ऐसा होगा तो इसको आप एन प्रोपाइल कह सकते थे Second retained name is ISO, ISO, Likho, two methyl groups at the end of linear. चेन लीनियर चेन का मतलब है अनब्रांच चेन अनब्रांच चेन अगर है और उसके एंड पे दो मिथाइल लगे हैं तो उसको बोलेंगे आइसो. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस कंपाउंड इसको आप सी एच थ्री कर दो इधर भी सी एच थ्री कर दो इधर भी सी एच थ्री कर दो और इधर सी एच कर दो तो ये एक तो इसका आई पी एस सी नेम है लेकिन इसका एक कॉमन नेम था इसको कहते थे चार कार्बन है आईस और आईयूपीएस नेम से जाएंगे तो मिथाइल प्रोपेन तो आइसो ब्यूटेन अगर लिख दिया तो गलत नहीं है रिटेन नेम है वो सेकेंड अगर ये है हमारे पास तो देखिए पांच कार्बन है इसके अंदर में और स्ट्रेट देखो ध्यान सब देखो स्ट्रेट चेन और एंड पे दो मिथाइल लगे हों स्ट्रेट चेन एंड पे दो मिथाइल लगे होंगे तो आइसो कहते हैं पांच कार्बन है तो आइसो पेंटेन और अगर आई नेम से जाओगे तो इसको बोलोगे मिथाइल या टू मिथाइल ब्यूटेन भी इसका नाम हो सकता है थर्ड वन इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम तो देखो टोटल सिक्स कार्बन है इसमें दिस इज आइसो हेक्सेन और टू मिथाइल आयूपीएसए नेम जो होगा वो होगा टू मिथाइल पेंटेन अब यहां पे कंडीशन है कंडीशन ये कहता है कि देयर शुड बी फोर टू सिक्स कार्बन एटम्स ओनली अगर फोर टू सिक्स कार्बन से ज्यादा हो गया तो फिर उसको यूज नहीं कर सकते आइसो के नाम से ऑल्सो दे शुड नॉट एनी अल्काइल ग्रुप कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए आइसो अगर प्रेजेंट है तो ये अल्केन के लिए हम बता रहे हैं देखिए अल्काइल के लिए थोड़ा सा अलग है नोट कर लिया हमने So, अगर ये है हमारे पास तो आई यू पी के थ्रू तो आप निकाल ही लोगे इस रेडिकल का नाम मैं चाहता हूं इसका कॉमन नाम तो स्ट्रेट चेन और एंड पे दो लगे हों तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल अच्छा आई यू पी नेम क्या होगा इसका तो जहां से जुड़ा है वहां से वन वन डैश टू डैश तो ये हो जाएगा वन मिथाइल इथाइल अगर यह लगा हुआ है इसका क्या नाम होगा कॉमन नेम तो इसमें देखो वन टू थ्री एंड फोर तो फोर है तो इसको आप बोलोगे आइसो ब्यूटाइल और अगर आई यूपीएस नेम चाहिए तो वन टू थ्री टू पे लगा है मिथाइल दिस इज टू मिथाइल प्रोफाइल और अगर हम इसका नाम आपसे पूछें तो बताओ जरा इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या आना चाहिए अब डन दिस इज आइसो पेंटाइल और अगर आई यू पी एस सी नेम जाओगे तो देखो जहां से जुड़ा है वहीं से काउंट करना है तो वन टू थ्री दिस इज थ्री मिथाइल ब्यूटाइल अब एक कॉमन एग्जाम्पल है देखिए जो कई बार पूछ लिया जाता है कई जगहों पे आइसो ऑक्टेन क्या होता है तो आइसो ऑक्टेन याद रखना ये कमर्शियल नेम है दिस इज नॉट द आई यू नेम तो ये कॉमन नेम है रिटेन किया हुआ नाम नहीं है इंडस्ट्री में यूज करते हैं इस नाम को आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये होगा अब रूल क्या कहता था आइसो अगर प्रेजेंट है तो कोई दूसरा फंक्शनल दू, कोई दूसरा रेडिकल नहीं प्रेजेंट होना चाहिए बट यहाँ प्रेजेंट है यानी कि ये कॉमन नेम है ध्यान रखो अगर इसका आई नेम पूछो तो राइट द आई नेम ऑफ दिस कंपाउंड राइट द आई नेम काउंटिंग शुरू होगी यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सो दिस इज टू कॉमा टू कॉमा फोर ट्राय मिथाइल पेंटेन दिस इज द आई यूपीएससी नेम नेक्स्ट थर्ड रिटेन्ड नेम जो है वो है नियो नियो सो इसके लिए भी रूल्स हैं देर शुड बी फाइव टू सिक्स कार्बन अब ये अलकेन के लिए है अल्काइल के लिए नहीं है तो आते हैं काम की चीज पे सीधा सीधा नाम पे इसका नाम आपसे पूछेगा तो टोटल देखिए पांच कार्बन है और इसमें पहचानना कैसे है तो आपके पास होना चाहिए टू कॉमर टू पे डायमिथाइल अगर इस तरीके से दिखाए टू कॉमर टू डायमिथाइल का मतलब ये इस तरीके का हो ये जो है इसको बोल रहे हैं टू कॉमर टू डायमिथाइल इस तरीके का प्रेजेंट होगा तो नियोबोलिंग टोटल पांच है इसके अंदर में नियो, so इसका नाम पूछेगा आपसे तो इसका नाम हो जाएगा टोटल देखो छह कार्बन नियो हेक्सेन Then fourth one is secondary. Secondary so it is applicable only for radicals. Only for radicals. और एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां से जोड़ते हैं, तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आप इस तरीके से करते हो नेमिंग फोर फाइव तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल सेकेंडरी पेंटाइल यूज किया जा सकता है यहां यानी कि बेसिकली वो वाला कार्बन जो टू डिग्री कार्बन है उससे अगर आप जोड़ दोगे टू डिग्री कार्बन से तो सेकेंडरी नाम दे देंगे ओके अच्छा यहां पे बताओ अगर आपसे ये पूछ ले एक दो तीन चार पांच और ये रेडिकल है इसका नाम क्या होगा आई नहीं कॉमन बताओ कॉमन नेम तो टू थ्री फोर फाइव तो पांच है तो इसका नाम होगा देखो दिस इज नियो पेंटाइल और अगर आई बोलेगा तो यहां से काउंटिंग शुरू कर देंगे वन डैश टू डैश एंड थ्री डैश तो इसका नाम हो जाएगा टू कॉमर टू डायमिथाइल प्रोपाइल टू कॉमर टू डायमिथाइल प्रोपाइल नाम हो जाएगा इसी तरीके से आपसे इसके लिए भी पूछा जा सकता है इसका नेम या कॉमन नेम तो ये अपना था हेक्साइल देखो जुड़ता है ये वन डिग्री वाले से लेकिन इसके एंड पे जो है तीन मिथाइल लगे होते हैं जैसे आइसो में दो लगे रहते थे मिथाइल यहां तीन मिथाइल लगे होंगे एंड पे तो उसको कहेंगे नियो हेक्साइल या नियो हेक्सेन वाला कहते नोट करो फिफ्थ रिटेन्ड वन एज टर्शरी अकीन दिस इज यूज ओनली फॉर रेडिकल्स एंड जो पहला आएगा मेंबर वो ये है अगला मेंबर चाहिए तो ये हो जाएगा फर्स्ट वन तीन और एक चार चार कार्बन है तो इसको बोलेंगे में टर्ट, next one, one, two, three, four, five, जिस कार्बन से जुड़ा है ना उस कार्बन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कार्बन जिससे जुड़ा है रेडिकल वो थ्री डिग्री है, यहां भी रेडिकल जहां से बनेगा वो थ्री डिग्री कार्बन होना जरूरी है तभी तो आप टर्शरी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका नाम होगा टर्ट पेंटाइल आईयूपीएससी नेम पूछे तो बताओ जरा आईयूपीएससी नेम दोनों के लिए व्हाट इज द आई यू पी एस सी नेम फर्स्ट वन इट इज वन वन dimethyl ethyl second one one comma one dimethyl propyl हो गया आते हैं हम नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो उनके लिए किस तरीके से नेमिंग करना है तो फर्स्ट पहले तो पेरेंट चेन सिलेक्शन सीखना है हमें लिखो रूल्स फॉर सेलेक्शन ऑफ मेन चेन रूल्स फॉर सेलेक्शन ऑफ मेन चेन पॉइंट नंबर वन लिखते चलो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ अ मल्टीपल बॉन्ड यानी कि लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए जिसके अंतर में मल्टीपल बॉन्ड हो मल्टीपल बॉन्ड कंपल्सरी है अब लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो बट मल्टीपल बॉन्ड उसके अंदर होना जरूरी है सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड अब आपने लॉन्गेस्ट चेन देखा उससे पहले आपने देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड आपके पास मैक्सिमम नंबर में होने चाहिए यानि के मल्टीपल बॉन्ड जो होंगे वो सारे के सारे कोशिश करेंगे आप कि आपके चेन के अंदर में आ जाए Then third point, if first and second factor are common, then chain with lowest locant यानी मल्टीपल बॉन्ड यहां लोएस्ट लोकेंट मतलब मल्टीपल बॉन्ड को कह रहे हैं इज सेलेक्टेड एज मेन चेन देन फोर्थ पॉइंट ोएस्ट लोकेंट रूल इज फॉलोड टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लोएस्ट लोकेंट रूल इज फॉलोड टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इस पर मैं आऊंगा क्या होता है लोएस्ट एस्ट लोक एंड रूल ब्रैकेट में लिख लो मल्टीपल बॉन्ड टू प्राय यानी कि पहले आप मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे उसको पहले देखोगे और सब्सिट्यूंट को बाद में देखोगे और ये सारे फैक्टर अगर कॉमन हुए तो पांचवा फैक्टर है आप अल्फाबेटिकली देखते हो एल्फाबेटिकली जो पहले आता है तो उसको बोल दीजिए एल्फाबेटाइजेशन एल्फाबेटिकली देखना होगा अगर सारे फैक्टर कॉमन है तो जो एल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको आप ले लेंगे अपने पेरेंट चेन में ये हुआ रूल्स फॉर सेलेक्शन ऑफ मेन चेन इसको मैं समझाऊंगा अभी पहले नोट करो Done. Then second, rules for numbering, rules for numbering. लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट लोएस्ट लोकेंट रूल टेल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एररेस्पेक्टिव Of double and triple bond, second point, then double bond is preferred over. triple bond in numbering naming and longest chain selection if ऑल अदर फैक्टर्स आर कॉमन क्या कह रहे हैं आप? आप ये कह रहे हो कि अब प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो चुका है सबसे पहले आप मल्टीपल बॉन्ड को देखें यानी आपको मल्टीपल बॉन्ड को पहले अपने पेरेंट चेन के अंदर लेना ही होगा चाहे वो लॉन्गेस्ट हो या ना हो अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो आपके पेरेंट चेन का हिस्सा होना ही चाहिए मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ आप चाहोगे कि आपका लॉन्गेस्ट चेन भी हो जाए लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुआ तो नहीं हुआ लेकिन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए अब लॉन्गेस्ट चेन भी सेलेक्ट कर लिया आपने तो आप फिर कोशिश करोगे के या ऐसे लिखो मल्टीपल बॉन्ड के आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लेना है पेरेंट चेन के अंदर में यानी जितने मल्टीपल बॉन्ड ले सकता हूं वो सारे के सारे पेरेंट चेन में लेने की कोशिश होगी हो गया फिर लॉन्गेस्ट चेन देखूंगा लॉन्गेस्ट चेन भी मिल गया तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर डिसाइड करने पड़ेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मिल सकता है और एक जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट मिल सकता है तो मैं मल्टीपल बॉन्ड को पहले चुनूंगा फिर मैं चुनूंगा लॉन्गेस्ट चेन को फिर मैं चुनूंगा सब्सटीटूएंट शुनूंग को अब उसके बाद फिर जब नंबरिंग की बारी आएगी

कब जब सारे कंडीशन सेम है अगर सारे कंडीशन सेम नहीं है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को मल्टीपल बॉन्ड की तरह कंसिडर करेंगे ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा नोट कर लिया यहाँ तक तो हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं वन देन सेकेंड Third fourth. नोट करते चलिए और नेमिंग करते चलो चलो यहां तक नेमिंग करते हैं पहले फर्स्ट वन हो गया तो अब ये रूल कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और नंबरिंग कैसे करें तो नंबरिंग ऐसे करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए तो वन टू थ्री एंड फोर इस तरीके से जाएंगे हम क्या किया मैंने डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दिया अब जब आप नाम लिख रहे होगे तो चार कार्बन है तो पेरेंट चेन हो जाए वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है वो बताया जाएगा अनसेन के नाम से जस्ट उसके आगे तो ये प्राइमरी सफिक्स जो था उसमें आप लिखोगे कि फर्स्ट पोजीशन पे था इन तो इसका नाम होगा ब्यूट वन इन सेकेंड वन पेरेंट चेन डिसाइड किया काउंटिंग करी हमने लोएस्ट नंबर टू द मल्टीपल बॉन्ड वन टू थ्री फोर अब डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे है तो इसका नाम होगा ब्यूट टू ई नहीं यहाँ ई e एन ई -E. अब देखो सब्सटीटेंट को यहां से टू मिल रहा है यहां मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट मिल रहा है तो आप क्या करोगे मल्टीपल बॉन्ड आपकी पहली प्रायोरिटी है इसको लोएस्ट नंबर आपको देना है वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये होगा आपका काउंटिंग सिस्टम सब्सिट्यूंट प्रिफिक्स में लिखते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे फोर मिथाइल देन पांच कार्बन है तो पेरेंट चेन हो गया पेंट फिर डबल बॉन्ड है वन पे तो पेंट वन इन चलो नेक्स्ट दो का नेमिंग करो आप फोर्थ एंड फिफ्थ का नेमिंग कीजिए बताओ आंसर क्या आता है ओके डबल so बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव दिस इज फोर मिथाइल पेंट टू पे हो जाएगा डबल बॉन्ड देखो कहां पे डबल बॉन्ड है टू और थ्री के बीच में तो टू और थ्री के बीच में है तो टू पोजीशन लेंगे आप तो टू इन फिफ्थ वन काउंटिंग शुरू करेंगे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देते हुए तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो दिस विल बी फाइव कम फाइव डाईक्लोरोन पेरेंट चेन है छ का तो हैक्स और डबल बॉन्ड है फर्स्ट पे तो हेक्स वन ई Five comma five dichlorohex one in next example. सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड इसका नेमिंग करो देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी हाइड्रोजन भी लगा दो फर्स्ट वन काउंटिंग आप देखिए कहां से करें तो दोनों एंड एक जैसे थे वन टू थ्री एंड फोर तो आप इसका नाम दे सकते हैं चार कार्बन है तो पेरेंट चेन में आ गया ब्यूट अब ब्यूट में आप देखें कि आप लिखोगे इसके आगे वन पे डबल बॉन्ड है और थ्री पे डबल बाउंड है आप ये नहीं बोल सकते टू और फोर देखो वन और टू में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको लेंगे तो वन थ्री और दो है इन तो डाय करेंगे अब देखो डी से शुरू हो रहा है डाय इन डी से शुरू हो रहा है तो ब्यूट का आपको ब्यूटा लिखना होगा अगर ई से शुरू हो रहा था ऐसे आ सकते हैं ए आई ओ यू एंड वाई पांच वॉबल और एक वाई अगर यहां से शुरू हो रहा है तो लास्ट अल्फाबेट ऑफ वर्ड रूट इज रिमूव अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो आप रिमूव नहीं करेंगे जैसे डी से आ रहा था तो आपने ए को नहीं हटाया तो ब्यूटा से ए रहने दिया लेकिन अगर यहीं पे इन आता सिर्फ तो ब्यूट लिखते ब्यूटा नहीं लिखते ब्यूट लिखते पेंटा पेंट इस तरीके से अभी और एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा आपको इसमें देखो तो दोनों एंड से एक जैसा है वन टू थ्री एंड फोर सो दिस इज ब्यूटा वन कॉमा थ्री दिस इज डाई वाइन ब्यूटा वन कॉमा थ्री ब्यूट ने किया ब्यूटा लिखा है देखो ब्यूट क्योंकि डी से शुरू हो रहा था अगेन नेक्स्ट वन अब इसमें देखिए इधर से शुरू करूंगा तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा और इस एंड से शुरू करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलेगा तो लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि आप जब नंबरिंग बनाओगे तो टू कॉमा थ्री आएगा यह हुआ लोकेंट डबल बॉन्ड के लिए और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अगर इधर से करेंगे तो वन सॉरी वन थ्री आएगा टू थ्री वन और थ्री आएगा इधर से करूंगा तो भी वन थ्री आएगा अब जब सारे कंडीशन सेम हो तब आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर इसका मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी का मतलब कि काउंटिंग डबल बॉन्ड से शुरू होगी ट्रिपल बॉन्ड से नहीं शुरू होगी तो सी डबल बॉन्ड सी को आपने ज्यादा सीनियर बताया सी ट्रिपल बॉन्ड सी से लेकिन वो कंडीशन कब है जब बाकी कुछ और नहीं लग रहा हो अगर एक सब्सिट्यूएंट भी आ जाता या अगर लोएस्ट नंबर मिल रहा होता तो हम लोग इस तरीके से नहीं लेते जैसे एग्जाम्पल एक, से ही समझते चलते हैं वन टू थ्री एंड फोर तो दिस इज ब्यूट अब देखो वन पे ईन है और फोर पे वाइन है तो वन ईन ई से शुरू हो रहा था ई से शुरू हो रहा था तो, तो ब्यूटा का ए हटा दिया मैंने फिर इन फिर थ्री पे है देखिए वाइन अब ये Y से शुरू हो रहा है तो E N E E N E का E हटा दिया मैंने बिकॉज Y से शुरू हो रहा था तो ब्यूट one इन three wine देखिए E क्यों हटाया समझ में आया क्योंकि Y से शुरू हुआ अगर डाई वाइन होता तो नहीं हटाता इसी तरीके से buta का A हटा दिया हमने यहां से बिकॉज E से शुरू हो रहा था तो वॉवेल से शुरू हो रहा हो या y से वॉवेल के साथ y से अगर शुरू हो रहा हो तो हम लोग लास्ट अल्फाबेट रिमूव कर देते हैं नेक्स्ट एग्जांपल करें अब इसमें अगर इधर से काउंटिंग होगी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो आपको लोकेंट जो मिलेंगे यानी कि ट्रिपल और डबल बॉन्ड जो मिल रहा है वो मिल रहा है एक वन पे मिलेगा और एक फोर पे मिलेगा लेकिन आप अगर बॉन्ड को प्रायोरिटी लूंगा ट्रिपल बॉन्ड से और इधर से काउंटिंग नहीं आपको अब रूल को फॉलो करना पड़ेगा यानी वन फोर को फॉलो करना पड़ेगा ये नीचे वाला गलत हो गया सो so, इसका नाम हो जाएगा दिस इज़ कार्बन, तो दिस इज हेक्स अब डबल बॉन्ड फोर पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वन पे लेकिन आप अल्फाबेटिकली इसको लिखते हो तो ये हो जाएगा हेक्स फोर इन वन वाइन हेक्स फोर इन वन वाइन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन का नेमिंग करो हो गया तो अब अगेन देखिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट से आप जाएं तो इधर से मिलेगा आपको वन टू थ्री वन थ्री दूसरे एंड से करें तो वन टू थ्री फोर फाइव थ्री एंड फाइव तो प्रायोरिटी तब दिया जाएगा डबल बॉन्ड को जब सब सेम हो यहां तो नहीं है तो वन और थ्री को लेंगे यानी काउंटिंग होगी शुरू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो इसका नाम हो जाएगा हेक्स थ्री इन वन वाइन लिखते समय आप अल्फाबेटिकली लिखोगे काउंटिंग करते समय लोएस्ट लोक low देखना है लोएस्ट नंबरिंग देखना है आपको नेक्स्ट वन इधर से काउंटिंग करेंगे तो वन और टू टू पे आएगा डबल पॉइंट इधर से काउंटिंग करेंगे तो वन पे डबल पॉइंट तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन है तो हेप्ट या हेप्टा। अब हेप्टा आएगा क्योंकि वन थ्री एंड फाइव तो तीन डबल बॉन्ड है तो ये होगा ट्राई इन ट्राई इन में टी से शुरू हो रहा है तो हेप्टा होगा हेप्ट नहीं होगा नोट करो हो गया नोट कर लिया हमने चलो तो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं थोड़े से प्रैक्टिस के लिए क्लैरिटी आने के लिए इसका नेम करो अगर रूल्स आपको प्रॉपरली समझ आए हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाने चाहिए लेकिन प्रॉपर नंबरिंग करके करो नंबरिंग करो सब्सिट्यूएंट देखो रेडिकल देखो लोएस्ट लोकेंट देखो और फिर डिसाइड करो तो बताओ फर्स्ट वन का क्या नाम आएगा फर्स्ट so वन में रूल के हिसाब से जाएंगे तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेचुरेशन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लॉन्गेस्ट चेन पे जाना था थ्री पे देखो सब्सटीटूंट कौन सा लगा है वन डैश टू डैश एंड थ्री डैश तो इस सब्सटिट्यूएंट का नाम हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपाइल देख पा रहे हैं तो कहां पे लगा हुआ है मैं मेंशन कर दो थ्री पे लगा हुआ है टू मिथाइल हेप्ट हेप्ट वन इन टू मिथाइल प्रोपाइल हेप्ट वन इन ओके नेक्स्ट वन तो अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेन तो समझ में आ रहा था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर जा सकते थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो अपन सेवन की तरफ जाएंगे अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करूं तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करता हूँ, तो टू मिलेगा डबल बॉन्ड को और क्या मिलेगा टू मिलेगा और थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स टू और सिक्स इधर से जाऊंगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन एंड फाइव किसको सेलेक्ट करेंगे आप लोएस्ट सेट ऑफ लोक एंड को तो वन कॉमा फाइव ये होगा हमारा पेरेंट यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये डिसाइड कर लिया हमने तो अब ये वाला हिस्सा जो है ये सब्सिटेंट हो चुका होगा और ये पूरा का पूरा सब्सिटेंट हो चुका होगा इसका काउंटिंग करो जरा वन डैश टू डैश एंड थ्री डैश ठीक है अब इसका नाम जो है वो है वन कॉमा वन डाई मिथाइल और इधर से इसको देखो तो ये इथिनाइल है अब ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटेंट के अंदर डाई आएगा तो इसको काउंट करेंगे अल्फाबेटाइजेशन के लिए तो ये लगा हुआ है फोर पे वन कॉमा वन डाय मिथाइल प्रोफाइल देन फोर पे लगा हुआ है इथिनाइल देखो डी को पहले लिया ई से बिकॉज कॉम्प्लेक्स सब्सिटेंट के अंदर का डाई था ये तो कॉम्प्लेक्स सब्सिटेंट में डाई आएगा तो उसको काउंट करना है अल्फाबेटाइजेशन के लिए फोर इथिनाइल देन हेप्ट और हेप्टा वन कॉमा फाइव डाई इन हेप्टा वन कॉमो फाइव डाई इन ओके नेक्स्ट वन करो इसका नेमिंग करो ये थोड़ा आसान वाला दिया मैंने तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव ऑब्वियसली सिक्स की तरफ जाएंगे हम लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अनुरेशन दो इधर भी है दो इधर भी है तो मैं दो की तरफ ही जाना है तो इधर जाऊंगा इधर से देखो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये हो जाएगा पेरेंट चेन तो ये सब्सिटूं क्या नाम हो जाएगा थ्री पे लगा हुआ इथाइनाइल थ्री इथाइनाइल हेक्सा वन फाइव हेक्सा वन डाई फाइव डाई चलो एक एग्जांपल मैं देता हूँ आसान सा सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या आता है आंसर नोट कर लिया यहाँ तक इसका क्या नाम होगा बताओ ज़रा बताओ जल्दी से फर्स्ट वन का क्या नाम आया काउंटिंग किधर शुरू करें सो डबल बॉन्ड प्रायोरिटी होगी मल्टीपल बॉन्ड पहले देखना है तो वन टू थ्री फोर फाइव पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है आपका देन सब्सिटूं पहले देखेंगे तो टू कम फोर डाई मिथाइल पेंट वन कॉमा थ्री डाय इन तो देखो डाई इन हो रहा है तो पेंटा करना पड़ेगा पेंटा वन कॉमा थ्री डाय इन हो गया तो नेक्स्ट वाले का नेमिंग करो अगेन देखो काउंटिंग लोएस्ट नंबर टू द मल्टीपल बॉन्ड वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब आएगा ये थ्री कॉमा फोर डाय दा... फोर डायमिथाइल पेंटा वन कॉमर थ्री डाय इन नेक्स्ट वन सो काउंटिंग होगी यहां से शुरू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो दिस इज टू कॉमर थ्री डाय मिथाइल देन पेरेंट चेन हेक्स वन इन फोर वाइन हेक्स वन इन फोर वाइन याद रखो इन पहले लिखना है वाइन बाद में लिखना है